हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किताब। मैं हूँ सुष्मिता। फ्रेंड्स, आज हम हंडी चिकन मसाला बनाने वाले हैं, वो भी बिना हंडी के। अगर आपके पास हंडी होगी या कोई मिट्टी का बर्तन होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई लोहे की कढ़ाई या नॉर्मल कोई कढ़ाई में भी बना सकते हो। सेम प्रोसीजर है अगर आप हंडी में बनाना चाहे तो भी। फ्रेंड्स, रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें तेल डाल लीजिए। तेल के गर्म होने के बाद थोड़े से करी लीव्स, ऑनियन और हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची के थोड़े सा हो जाने के सॉफ्ट हो जाने के बाद में हम टमाटो ऐड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टोमेटो थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम उसमें थोड़े से फल्ली जो पहले से मैंने भून कर रख लिए थे वो ऐड कर लिया है, और थोड़ा सा अदरक लहसुन। आप चाहे तो थोड़े से काजू और बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो मैंने थोड़ी सी हल्दी, मिर्च और गरम मसाला, चिकन मसाला, ये दोनों ही इसमें ऐड कर लिए हैं, और थोड़ा सा नमक और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल के अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे एकदम पेस्ट के जैसा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको भी करना है। फ्रेंड्स, एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लीजिए। दूसरी कढ़ाई ले लीजिए या नहीं तो वही कढ़ाई यूज कर सकते हो। उसमें मैंने थोड़े से राई जीरा ऐड कर लिया है। जैसे ही राई जीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे हम इसमें करी लीव्स ऐड कर लेंगे। अब हम थोड़े से तेज पत्ता और ऑनियन दोनों भी ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जरा सा गोल्डन कलर में आने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम और थोड़ा सा गोल्डन कलर आने देंगे, और हमने उसमें डाल लिया है अदरक लहसुन पेस्ट। अगर हम पहले ही स्टेप में डालेंगे तो इसमें ना स्मेल अच्छा आएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा अदरक लहसुन का, इसलिए हम पहले ही ऐड कर लिए है। फ्रेंड्स, नॉर्मली हंडी का चिकन हम हंडी में ही बनाते हैं या कोई मट्टी के बर्तन में बनाते हैं। आपके पास होगा तो आप वो यूज करिए। मेरे पास नहीं था तो मैं लोहे की कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें यूज कर रही हूँ। उससे आपको और अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन का। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अभी इसमें चिकन ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर ऐड करिए, वरना बिसांद स्मेल आएगी, इसलिए अच्छे से विनेगर या सॉल्ट डालकर अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही आप यूज करिए। फ्रेंड्स, अब मैं ना इसमें कूटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ फोड़र के बजाय। आपके पास अगर धनिया साबित धनिया हो तो आप उसे कूटकर ऐड कर लीजिए, और भी अच्छा फ्लेवर आएगा आपको। फ्रेंड्स, ये चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। हल्दी, मिर्च और घर में बनाया हुआ मसाला है फ्रेंड्स, वो मैंने ऐड कर लिया है इसमें, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चिकन मसाला। अभी आप इसे अच्छे से मिला लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मसाला कैसे बनाना है उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वो कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगी। फ्रेंड्स, उसके प्लेस पे आप लोग ना गरम मसाला ऐड कर दीजिए। क्या है ना फ्रेंड्स, घर का बनाया मसाले में ना बहुत ही स्वाद आता है, तो इसलिए मैं कुछ मसाले घर पर ही बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मसाले पूरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब मैं जो पहले से पीस कर रख ली थी मसाला वो इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और उसी मिक्सर जार में थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसमें मिला लेंगे, ताकि उसमें जो मसाला बचा हुआ था वो सारा हम वाटर के थ्रू निकाल कर इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अभी मैं इसमें और एक ग्लास जितना पानी डाल चुकी हूँ, अब मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी। ये एक 10 मिनट तक पकने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स कर्ड ऐड करे बाद ना आप अच्छे से मिला लीजिए और धीमी आंच पर रखकर कर्ड ऐड करिए फ्रेंड्स, वरना दही फट जाएगी। उसके बाद ढक्कन लगाकर एक 10 मिनट के लिए पका लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक चुका है अभी। ये ऑलमोस्ट बन चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसकी बगार की तैयारी कर देंगे। फ्रेंड्स एक छोटा सा पैन या कढ़ाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए, असली घी फ्रेंड्स। घी के गर्म होने के बाद चॉप करे हुए गार्लिक, ग्रीन चिल्ली एंड करी लीव्स ऐड करके इसका बगार हम करी में मिला लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह डाल लीजिए और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाते रहूंगी। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।